जो मरीज अभी हमारे पास आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर में सीरियस स्थिति नहीं आ रही है, मरीज सीरियस नहीं है, पॉजिटिव आ भी रहे हैं तो भर्ती नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वेरिएंट कोई भी हो, कोविड से बचाव का जो दिशा निर्देश केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा हमें समय समय पर मिलते हैं उसमें तीन जो मेजर चीज़ें हैं। अजमेर शहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेएलएन अस्पताल प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए वार्ड, वेंटिलेटर, बाईपैप, ऑक्सीजन सहित दवाओं का पूरा स्टॉक रेडी। देश प्रदेश और जिले में कोरोना, डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रोन की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएँ चाक चौबंद कर दी गई हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन ने बताया कि अस्पताल में मरीजों के लिए अलग से वार्ड तैयार कर दिए गए हैं जिनमें हर बेड पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बाईपैप आदि की सुविधा मुहैया कराई गई है। हालांकि इस बार तीसरी लहर की आशंका के बीच संक्रमित तो आ रहे हैं लेकिन ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होने से अस्पतालों में भर्ती नहीं हो रहे। ज़्यादातर मामले घरों पर ही क्वारंटीन करने से ठीक हो रहे हैं, जो एक सुखद समाचार है। उन्होंने कहा कि फिर भी केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर अस्पताल में सभी चिकित्सकीय सुविधाएं और व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। अस्पताल में टेस्टिंग भी पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। गौरतलब है कि अजमेर जिले में गुरुवार को एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 287 संक्रमण के मामले सामने आए, जो चिंता बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में संक्रमण और तेजी से फैलेगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए लोगों से अपील है कि कोरोना से बचाव के लिए हमेशा मास्क लगाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग की सदैव पालना करें। कोरोना की जो तीसरी लहर आती प्रतीत हो रही है और नंबर ऑफ केसेस कोरोना के रेगुलर बढ़ रहे हैं तो उसके साथ जेएलएन अस्पताल भी पूरी तरह से उन मरीजों की देखभाल के लिए तैयार है। हमने हमारे यहाँ पूरी मरीजों के ओपीडी की, जांचों की तथा भर्ती की पूरी सुविधा मुहैया करा रखी है। हमारे यहाँ सारा ऑक्सीजन का मैनेजमेंट, सारी दवाइयाँ, ये सब पूर्णतया मौजूद हैं। जो सुविधाएं हमारे वेंटिलेटर्स की है या बाईपैप की है वो सारी मौजूद हैं और सारी मशीनें ठीक कार्य कर रही हैं। जहाँ तक मरीजों के भर्ती होने का सवाल है, अभी इन दिनों कोरोना के मरीज ज़्यादा भर्ती नहीं हो रहे। कभी हमारे पास एक मरीज भर्ती होता है, कभी दो होते हैं, मैक्सिमम अभी तक चार मरीज हमारे पास भर्ती रहे तथा कोई भी मरीज गंभीर हालत में सामान्यतः भर्ती नहीं हो रहे हैं। फिर भी क्योंकि ये कोविड चल रहा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, मेरी आमजन से अपील रहेगी कि जो कोविड एडिक्वेट बिहेवियर है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें मास्क लगा के रखना है और हमें हैंड सैनिटाइज करना है, ये बिल्कुल बराबर रखें तथा किसी भी तरह के सिम्टम होने पर तुरंत अस्पताल से संपर्क करें और अपने आप को दिखाएं। पूरा हमारे हर बेड पर हमने सेंट्रल लाइन दे दी है और हमारे जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हम अलॉट हुए थे उसमें ज्यादातर हमारे काम कर रहे हैं और जो जिनका इंस्टॉलेशन बाकी है वो भी निकट भविष्य में अगले 7 दिन में चालू हो जाए। वेरिएंट कहा था कि डेल्टा वेरिएंट है, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था, अभी हमारे पास एक ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तीनों ही बीमारियों में, तीनों ही वेरिएंट्स में मरीज हमारे पास थे। जो मरीज अभी हमारे पास आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर में सीरियस स्थिति नहीं आ रही है, मरीज सीरियस नहीं है, पॉजिटिव आ भी रहे हैं तो भर्ती नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वेरिएंट कोई भी हो, कोविड से बचाव का जो दिशा निर्देश केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा हमें समय समय पर मिलते हैं उसमें तीन जो मेजर चीज़ें हैं जिनको हमें पालना करनी ही करनी है कि मास्क हमें लगा के हमेशा रखना है, नो मास्क नो एंट्री, ये बिल्कुल सब जगह चलना चाहिए, हैंड सैनिटाइज बहुत रेगुलर करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने चाहिए तथा समय समय पर जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश आते हैं कोविड मैनेजमेंट में उनकी हमें पूर्ण पालना करनी चाहिए। देखिए अभी तक जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो उतने सीरियस हालत में नहीं आ रहे थे, सीरियस हालत में डेल्टा प्लस के वेरियंट, लेकिन प्रिकॉशन हमें बहुत जरूरी है। आज हमारे लिए ये दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम पब्लिक को इस बारे में अवेयर करें कि जेएलएन हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट द्वारा बेहतरीन पेन सर्विसेज दी जा रही हैं और सभी तरह के सिर से लेके पांव तक पेन, दर्द यानी लेबर पेन, क्रॉनिक बैकएक, कैंसर पेन, माइग्रेन और जितने भी अपने फ्रोजन शोल्डर, घुटने का पेन, इन सब का इलाज बहुत सक्सेसफुल तरीके से किया जा रहा है नवीनतम पद्धतियों द्वारा। हमारे पास विभाग में पेन क्लिनिक में यूएसजी मशीन, सीआरएम, एक्सरे, पीआरपी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं
और उनके सभी उपकरणों की मदद से हम मरीजों का इलाज करने में बहुत सक्षम हो पा रहे हैं। और यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है पब्लिक को कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस दर्द से पीड़ित हैं और इलाज नहीं ले पा रहे हैं, शायद उनको ये मालूम नहीं है कदापि कि ऐसी भी एक सुविधा इस अस्पताल में मौजूद है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि कृपया इन सुविधाओं का मैक्सिमम रूप से उपयोग करें, लाभान्वित होएं, और जिससे हमारा भी एक तुष्टिकरण हो। हम चाहते हैं कि हम पब्लिक की मैक्सिमम हेल्प कर सकें। आपका नाम और पोस्ट? मैं डॉक्टर कविता जैन, प्रोफेसर सीनियर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर।